कितना भी ब्रश कर लो उसके बाद भी हमारे दांतों में जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा फंसा हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों पर पीली परत सी जमने लग जाती है, और यही जो परत है अगर कुछ समय तक रह जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं। तो प्लाक को कितना भी ब्रश कर लो, कितना ही ध्यान दे लो, कुल्ला कर लो, उसके बाद भी वो नहीं निकलती है, तब हमें ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे दांत है वो पहले की तरह वाइट हो, ये जो पीली परत है वो घर पे ही साफ हो जाए घरेलू ट्रीटमेंट के बिना डेंटिस्ट के पास जाए। तो आज हम डॉक्टर से इसी के बारे में जानेंगे कि घर पर ही हम इस जिद्दी जो दांतों का प्लाक है इसको कैसे साफ कर सकते हैं और क्या ये करना संभव है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर से हमारे सवाल। हेलो डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी हमारे व्यूवर से बात की है कि ये जो हमारे दांतों का जिद्दी प्लाक है उसको हम घर पर साफ कैसे कर सकते हैं। जी, ये जो दांतों का जिद्दी प्लाक है ये हर इंसान की समस्या, अगर हम बात करें तो हम में से ज़्यादातर लोगों के, यानी कि 90% लोगों के प्लाक जमता ही है, कोई 10% होते हैं जिनके हो सकता है ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपने ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो या फिर कितनी भी ध्यान रखे, जैसे आपने बताया कि बार बार ब्रश करें, ब्रश करने के बाद भी ये पीली परत जम जाती है, तो ये क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाने का जो पोर्शंस होता है वो हमारे दांतों में जमता ही है, इंटरडेंटल एरिया में चला जाता है और इंटरडेंटल एरिया से धीरे धीरे वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है फूड लॉजमेंट। और अगर अनट्रीटेड रहा, प्लाक को भी अगर हमने साफ नहीं किया तो धीरे धीरे ये और हार्ड हो जाता है और फिर ये कैलकुलस या टार्टर फॉर्म ले लेता है, और जो टार्टर फॉर्म होती है वो इतनी हार्ड होती है कि इसको घर पर बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, इसको आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट भी अगर क्लीन कर देते हैं उसके बावजूद भी आपके गम्स को इसका नुकसान पहुंचता है, यानी कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, टूथ है उनमें गेप आने शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है वो रहती है। तो अब ये जानते हैं कि इसको घर पर कैसे साफ कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, तो होम रेमेडी में आपके साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बता देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों पे जमी ये पीली परत है या ये जो जिद्दी प्लाक है इसको आप घर पर कैसे साफ करें, तो घर पर साफ करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ये प्लाक है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा और आपके दांत है फिर से सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसा जिद्दी प्लाक होता है जो हो सकता है समय ले और अगर आप उसको जल्दी क्लीन करवाना है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। लेकिन सबसे पहले घरेलू तरीके जानते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है उसमें इस प्रकार का एक खुरदरा एलिमेंट होता है, तो इससे अगर आप क्लीन करते हो अपने दांतों को तो इससे आपके जो प्लाक है वो जमना भी बंद होता है और अगर हल्की हल्की लेयर जम गई है तो वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ा पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है, कुछ और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेकिंग सोडा और हल्का सा पानी मिलाइए, पेस्ट बनाइए और आप एक जो ब्रश या ब्रश करते हो उस ब्रश से आप अच्छे से अपने दांतों को क्लीन कीजिए, जहाँ प्लाक है वहाँ पे अच्छे से रब कीजिए। रब करने का मतलब ये नहीं है कि डेंटिस्ट ने बोल दिया दांतों को रगड़ना है ब्रश से तो कंटिन्यू 4 से 5 मिनट 10 मिनट तक आप रगड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा देर रब करने से आपके दांत का एनेमल घिस सकता है, तो आपको क्या करना है हल्का हल्का रब करना है कम से कम 2 मिनट तक, और ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। रेगुलरली अगर आप अपने दांतों को बेकिंग सोडा से साफ करते हो तो आपका जो प्लाक है वो क्लीन होता है और आपके दांत कुछ ही दिनों में सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। तो बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी, एक बहुत ही अच्छा तरीका है दांतों के प्लाक को घर पर ही साफ करने के लिए। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों का प्लाक साफ कर सकते हो, दांतों और मसूड़ों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, या आप हफ्ते में अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लाक जम गया है तो आपको रेगुलर करना चाहिए ताकि जल्दी वो छूटे, लेकिन अगर आपके बहुत मतलब बहुत रेयर है, कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ऑयल पुलिंग में क्या होता है, आप नारियल का, तिल्ली का तेल ले सकते हो, नारियल का ले सकते हो, या फिर आप ओलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच तेल को अपने मुँह में अच्छे से घुमाना है फिर थूक देना है,
फिर 2 चम्मच लेना, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 8 से 10 मिनट कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांतों में जमी हुई जो खाने का पोर्शंस होता है वो घुल के बाहर निकल आता है, जो आपके दांतों पे पीली परत जमने ही नहीं देगा। और जब वो पीली परत जमेगी नहीं तो आपका दांत का प्लाक है वो एक्स्ट्रा तो बढ़ेगा नहीं, और जो हल्का जम गया वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रश कर सकते हो, इससे भी आपका प्लाक दूर होता है। इसके अलावा है संतरे के छिलके। संतरे के छिलके में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है, जो आपके दांतों का प्लाक, दांतों का पीलापन दूर करने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, या तो आप संतरे के छिलकों को ऐसे ही तो मतलब रब कर सकते हो। इन सब के अलावा आप संतरे के छिलकों को सुखा कर उसका पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर में हल्का सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए, और उससे अपने दांतों को अच्छे से रब कीजिए। उससे भी आपके दांत हैं उसका पीलापन दूर होता है, और साथ ही साथ प्लाक है वो आप उसको दूर कर सकते हो नेचुरल तरीके से। लेकिन कोई भी चीज़ है ज़्यादा नहीं करनी, 2 मिनट से ज़्यादा आपको दांतों को नहीं घिसना है। 2 मिनट से ज़्यादा घिसने से प्लाक तो दूर होगा, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी है वो बढ़ सकती है, इनेमल घिस सकता है। तो हमेशा थोड़ा ध्यान रख के ही होम रेमेडी करनी है। इसके अलावा क्या होता है, तिल। आप वाइट तिल ले लीजिए। तिल में क्या होता है, तिल का जो तेल होता है उसमें एक नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट होता है, और वो आपके दांतों का प्लाक है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। साथ ही तिल से बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है तिल का जो तेल होता है वो, और हमारे दांतों के लिए भी फायदेमंद है। आपको थोड़े से 1 चम्मच तिल लेने हैं, और उनको अपने दांतों से चबा लेना है, उसका जो रस निकल जाए। चबा लेने के बाद उसको निगलना नहीं है। एक ब्रश लीजिए धो के क्लीन करके, और उससे अपने दांतों पे मतलब ब्रश कीजिए, जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे। उस तिल का जो पोर्शन है वो आपके दांतों का जो प्लाक होता है उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें आपको कुछ बहुत नहीं है कि उसको पहले पीस और ऐसा कुछ नहीं करना, दांतों से ही पीस लेना, और उसके बाद आप उसको ब्रश कर ले। इससे भी आपके दांतों का प्लाक है वो दूर होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दांतों का प्लाक दूर करने के लिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसके नुकसान भी होते हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर आप अपने दांतों को क्लीन करना चाहते हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक बार साइड में रख दीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट तो होते ही है, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो इससे आपके नुकसान हो सकते हैं। तो एक बार आपको उसका मतलब दूर रखना है, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक। इसके अलावा क्या है, आप अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कीजिए। ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस कीजिए। फ्लॉस करोगे तो उससे भी आपके दांतों का पीलापन दूर होता है। और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हो तो इससे भी दांतों का प्लाक दूर होता है, फूड लेजमेंट है वो अंदर जो खाना फंसा हुआ है वो निकल जाता है, और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसूड़ों में, दांतों में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, या जो बैड बैक्टीरिया होता है जिनकी वजह से प्लाक हार्ड हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो वो अगर प्लाक को हार्ड नहीं करेंगे तो आप जब ब्रश करोगे तो वो प्लाक है वो इजीली निकल जाता है। तो नमक भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दांतों के प्लाक को घर पर क्लीन करने के लिए। तो ये कुछ होम रेमेडी है, इनको अपनाकर आप अपने दांतों के प्लाक को घर पर ही जी साफ कर डॉक्टर, सकते आपने हो। बहुत अच्छे से घरेलू जी तरीके बताए इसके बारे में। तो एक मेरा एक सवाल है कि चलो घरेलू ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है, अगर घर पर ही हम इसको साफ नहीं कर पाए, या हो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो डेंटिस्ट इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके क्या कोई नुकसान होता है, कोई साइड इफेक्ट होता है डेंटल ट्रीटमेंट का या नहीं? जी, जी डेंटिस्ट के पास जब अगर आप जाते हो, मान लो आपकी प्लाक है, टार्टर है, ये जम गया है, तो इसके लिए डेंटिस्ट है वो आपके दांतों का पहले तो चेकअप करेंगे कि किस तरीके का प्लाक जमा है, हल्का है या हार्ड है, उसके हिसाब से उसकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होता है, इसको हम एक अल्ट्रासोनिक स्केलर है उसकी मदद से दांतों को एकदम से क्लीन कर दिया जाता है, फिर पॉलिश कर दिया जाता है। जो इंस्टेंटली अगर आप चाहते हो कि विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके दांतों का प्लाक है वो निकल जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाके स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आप मतलब होम रेमेडी करते हो तो उनमें वक्त लगेगा। आप ये नहीं कि आपने एक बार होम रेमेडी कर दी और एक ही मिनट में आपके दांत चमक गया, तो ऐसा नहीं होगा। होम रेमेडी में वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली करवाना है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि प्लाक है तो वो जल्दी हो जाएगा। अगर प्लाक बढ़ जाता है, टार्टर फॉर्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके टार्टर अगर जम गया तो फिर आपके मसूड़ों को, दांतों को नुकसान हो सकता है। तो हल्का प्लाक है उसी टाइम आप क्लीनिंग करवा लीजिए, साथ में पॉलिशिंग करवा लीजिए, जिससे आपके दांतों में कोई भी खुरदरापन नहीं रहेगा। और पॉलिशिंग कराने से एक तो आपके दांतों की चमक भी बनी रहती है और खुरदरापन भी दूर होता है।
तो जैसा कि आपने पूछा कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या, तो स्केलिंग के एक्चुअल में ये काफ़ी मिथ फैला हुआ है कि दांतों की सफाई कराने से दांत है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सफाई स्केलर सिर्फ आपके दांतों का प्लाक टार्टर इन्हीं को रिमूव करता है, स्टेन्स रिमूव करता है, आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे कोई भी आपके दांत है वो नहीं घिसते हैं। दांत घिसने की अलग मशीन होती है, अलग, जिसको हम एयर रोटर मशीन बोलते हैं, वो अलग चीज़ होती है जो आपके दांत को घिसता है। स्केलिंग से कुछ नहीं होता, बट क्या होता है जिस दिन स्केलिंग करते हैं तो आपके दांतों को खालीपन फील होगा, क्योंकि पहले वहाँ पे टार्टर प्लाक जमा था, फिर वो निकल जाता है, तो आपको ऐसे फीलिंग आती है, हल्का हल्का फील होता है, तो आपको लगता है यार कहीं आपके दांत घिस तो नहीं गए, इसलिए आपके दांत आपको पतले फील हो रहे हैं, या फिर दांतों में गैप है, क्योंकि गैप के बीच में क्या होता है मसूड़ों की जगह टार्टर ले लेता है, तो जब टार्टर क्लीन हो जाता है तो जो मसूड़े हैं वो तो हट जाते हैं, तो वहाँ पे एक गैप दिखाई देने लग जाता है। तो इस वजह से लोगों के मन में एक गलत फहमी आ जाती है कि स्केलिंग कराने से दांत है वो वीक होते हैं, लेकिन अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाके प्लाक क्लीन करवाना है, टार्टर क्लीन करवाना है, तो बेझिझक होकर करवाए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ओके डॉक्टर ज़्यादा जी समय नहीं लेंगे, लेकिन एक सवाल लास्ट एक और पूछना चाहूँगी कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो प्लाक है हमारे जमे ही ना, हमारे दांत बिना मतलब एकदम से क्लीन रहे, जी अगर हम पहले से ही ध्यान दें तो ये हमारी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं वो रात को ब्रश करते हैं, बोलते हैं रात को, सुबह रात दोनों ब्रश करोगे आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे बोलेंगे हम तो रात को ब्रश करते फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना है वो हमारे सिर्फ दांतों के ऊपर सरफेस पे नहीं जमता, वो हमारे दांतों के दो मतलब इंटरडेंटल जो एरिया है वहाँ पे फंसता जाता है और वहीं से प्लाक बनता है। तो अगर आप ब्रश के साथ साथ रात को फ्लॉस करते हो तो इससे आप प्लाक होने से बचा सकते हो। साथ ही जब भी आप खाना खाते हो तुरंत कुल्ला करो, कुछ भी मीठा खाते हो, चॉकलेट खाते हो, तुरंत कुल्ला कीजिए, थोड़ी सी क्लीनिंग कर लीजिए, तो आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ नहीं रहेगा तो प्लाक नहीं बनेगा। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए, हल्का सा कहीं पे भी खाना फंसा हुआ है तो वो नमक के पानी के गरारे कुल्ले करने से बाहर निकल आता है। अगर नहीं निकल आता है तो भी हार्ड फोम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो जो मसूड़ों में या दांतों में जो खराब बैक्टीरिया है जिनकी वजह से प्लाक बनता है, टार्टर बनता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपके प्लाक जमेगा नहीं, और जब आप ब्रश करोगे तो वो आपका पोर्शन से वो खाने का निकल जाएगा। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि आप ऑयल पुलिंग, हफ्ते में अगर एक बार ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपके दांतों में जमी गंदगी, दांतों में जमा जो खाना है वो निकल जाता है। तो ऑयल पुलिंग से भी अगर आप करते हो हफ्ते में एक या दो बार, तो इससे भी आप दांतों में प्लाक होने से बचा सकते हो। साथ ही अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना, डाइट का स्पेशली जो आप खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स मीठा ये खाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आपके दांतों को कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए। कोई भी खाने का पोर्शन फंसा हुआ है, प्लाक स्टार्ट हुआ है, तो आप डॉक्टर को दिखाओगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको यहाँ यह प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ यहाँ ध्यान रखिए, तो ये आप अपने दांतों को इस तरीके से बचा सकते हो। तो हमेशा 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट थैंक जरूर यू सो कीजिएगा। मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया दांतों के प्लाक के बारे में, मुझे तो समझ में आया, और मैं आपके बताए हुए तरीकों पे मतलब गौर करूंगी। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम घर पर ही दांतों के प्लाक को क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे बच कैसे बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।